हम लोग रिवीजन चैप्टर जो पुनरावर्तनम सेकेंड है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है बंदर और जो टोपी बेचने जा रहा था, देखती हूँ ये बताती हूँ। ये देखो, यहाँ देखो, ये है ना पेज नंबर 53 में ये टोपी वाली कहानी आ गई फिर से। तो यहाँ ये कहानी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि एक कोई व्यापारी था जो टोपियाँ लेकर के टोकरी में बहुत सारे रंग बिरंगी टोपियाँ लेकर के किसी दूसरे गांव में बेचने जाता है। तो चलते चलते रास्ते में वो थक जाता है, तो एक पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रख कर वो थोड़ी देर विश्राम करता है, यानी आराम करता है। तो पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर होते हैं। वो बंदर ने देखा कि टोकरी में रंग बिरंगी टोपियाँ दिख रही हैं। वो उससे अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया कि देखो भला ये क्या है। तो सभी बंदर पेड़ से नीचे उछल के आए और सभी ने एक एक टोपियाँ ले ली और वृक्ष के ऊपर चढ़ गए टोपियाँ लेकर के। और उसने देखा कि वो व्यापारी टोपी को सर पे पहने हुआ है, व्यापारी भी एक टोपी पहने हुआ था। तो उसको बंदर को ठहरा नगर जी, आप लोग जानते ही हो, बोलते ही नगर जी बंदर। कोई बच्चा भी अगर कुछ प्रोसैदानी कर रहा है तो तुरंत बोल दिया जाता है ना नकलची बंदर। तो वो बंदर का स्वभाव ही है नकल करना। तो जब वो देखा कि व्यापारी ने टोपी पहनी हुई है तो सभी बंदरों ने उनकी नकल करते हुए एक एक टोपियाँ अपने सिर पे धारण कर लिया, यानी पहन लिया। फिर जब व्यापारी की नींद खुली तो वो देख रहे हैं कि मेरी टोपियाँ कहाँ गई, एक टोकरी में से सारी टोपियाँ गायब है। फिर उसने जब नज़र ऊंची ऊपर देखा तो देखते हैं कि पेड़ पे सारे बंदर एक टोपी पहने हुए रंग बिरंगे बैठे हुए हैं। हाँ, तो इन्होंने अब सोचा अब क्या करो, अब तो मेरा व्यापार गया काम से, मैं तो अब कहाँ से पैसे कमाऊँगा, कैसे घर पे कुछ ले जाऊँगा बच्चों के लिए। तो सोच रहे थे उन्हें, तो अचानक उन्हें एक तरकीब सूझी। वो समझ गए, उन्होंने आइडिया अचानक आ गया कि अरे ये बंदर हैं सारे के सारे, और बंदर तो ठहरे नकल करने वाली इनकी आदत है। तो उन्होंने तरकीब बस अपनी टोपी को निकाल करके नीचे ऐसे फेंकी। तो सारे बंदरों ने देखा कि अरे इस व्यापारी ने तो जो पहना हुआ था टोपी उसे नीचे ऐसे उतार कर फेंक दिया। तो सारे बंदर नकल उल्टा करते हुए अपनी अपनी टोपियों को नीचे फेंक दिए। बस व्यापारी खुश हुआ, उन्होंने अपने सारी टोपियाँ बटोर ली, टोकरी में रखा और फिर वो चलती है अपने गांव दूसरी गांव की ओर जहां वो व्यापार करने जा रहे थे, टोपियाँ बेचने जा रहे थे, ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे अर्जन कर सके, मतलब पैसे कमा सके। तब क्या होगा, इससे वो कुछ घर की वस्तुएं ला पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ ला पाएंगे, अपने खाना बनाने के लिए ला पाएंगे, है ना, घर की सामग्रियाँ ला पाएंगे और उनका जो है रोजी रोटी चलेगा, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो इस तरह से आपको शीर्षक क्या दोगे इस कहानी का, नकलची बंदर, है ना, सबसे बेस्ट यही है ना, नकलची बंदर। टोपी वाला और बंदर ये भी दे सकते हैं, टोपी वाला और बंदर, या नकलची बंदर, या फिर व्यापारी और बंदर की कहानी। तो ये लिखना है तो मैं लूंगा।
बड़ा ये स्टोरी है। Ready?